अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई रेसिपी अपने घर की, जो रोज़ अपने घर के लिए जो लंच और डिनर बनाती रहती हूँ उसके लिए, उसके साथ फिर हाज़िर हूँ मैं आज। काम थोड़ा ज़्यादा है और मैं कम बोलूँगी और बस थोड़ा सा ये बताऊँगी कि मैं आज बना रही हूँ मटन बिरयानी अपने घर के मसाले की। और उसमें थोड़ा सा थोड़ी चीटिंग करती हूँ, जो सच है बता रही हूँ, थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली सी, बाकी अपनी हर चीज़ करती हूँ मैं उसमें। अच्छा, तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। और जो राइस है वो भी मैं बॉईल करके सामने ही बताऊँगी किस तरह होते हैं। अमूमन लोग मुझसे, कितने लोग बोलते हैं कि आपके चावल अच्छे होते हैं, अच्छे बनाती हैं, या जो भी है, तारीफ़ नहीं कर रही, तो इस तरह वो भी ट्राई करके बताएंगे कि मैं अच्छे बनाती नहीं बताती, तो आप लोग बताएंगे। तो पहले इंग्रेडिएंट्स मैं बताना चाहती हूँ। ये 3 मीडियम स्लाइस अनियन मैंने लिए, जो स्लाइस कर लिए, 3 मीडियम अनियन साइज़ की जो अनियन थी उसको मैंने स्लाइस कर लिया। 1 कप भर के ऑयल लिया है, 3 नॉर्मल बड़े साइज़ है या नॉर्मल साइज़ के टमाटर, अगर छोटे हैं तो 4 कर लें, 3 बड़े हैं तो 3 ही कर लें। 1 पाव से ज़्यादा मैंने मटन लिया है, ये बॉयल है। 1/2 कप योगर्ट है, बे लीव्स हैं, क्लोव्स हैं यानी लौंग, तेज़पात का पत्ता, छोटी इलायची, 4, इतनी लौंग हैं ये 7-8, 4 बड़े ड्राई आलू बुखारे हैं, बादियान का फूल है, शाह ज़ीरा यानी काला ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट है और सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ा सा कोई भी बिरयानी मसाले का 1/2 या 1 चम्मच बिरयानी मसाले का, और पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चम्मच, हल्दी जाएगी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। ठीक है, ये मेरा बॉक्स है, इसको मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह। तो मैं हम फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम फिर इसमें ऑयल स्टार्ट करते हैं। ऑयल डालती हूँ आपके सामने ताकि हर चीज़ जो भी हो आपके सामने हो। अच्छा, ऑयल हमने पूरा 1 कप भर के लिया है, अगर आगे ज़रूरत हुई तो हम लेंगे, अगर नहीं हुई तो हम नहीं लेंगे। इतना ऑयल नहीं होना चाहिए और इतना ड्राई भी नहीं होनी चाहिए बिरयानी कि बिल्कुल वो लगे रूखी रूखी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। और मैं दोबारा से इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। मैंने 3 मीडियम नॉर्मल साइज़ की, बहुत नॉर्मल साइज़ की अनियन ली, उसको स्लाइस कर लिया, प्याज लिया। 1 पाव से ज़्यादा मेरा मटन है, आप चिकन भी ले सकते हैं। 3 मीडियम नॉर्मल साइज़ के छोटे टमाटर हैं, टमाटर 1/2 कप दही है, अदरक लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और बे लीव्स यानी तेज़पात का पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, ड्राई आलू बुखारे, 1 बादियान का फूल, काला ज़ीरा, हरा धनिया पुदीना, आपको वैसे ही पता जाता है वो उसमें, और हल्दी 1/4 चम्मच, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, गरम मसाला, धनिया ऑप्शनल में है, डालें ना डालें, मैं कभी कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ इसलिए। अब ये हम इसको बॉय, और चावल जो है मैंने जो बॉयल करने के लिए अभी रखूँगी, अभी किया नहीं है, ये है लिए हैं बासमती, और ये वाला कप लिया है छोटा वाला, 4 कप भर के। तो ये मेरी फैमिली के लिए, कम से कम मेरी फैमिली के अच्छा खासा 5 से 6 पर्सन खा सकते हैं। मेरा बच्चा रो रहा है, सॉरी, वो उस टाइम मेरा बेबी रो रहा था इसलिए, दरअसल आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। खैर, अल्लाह में उसको ज़िंदगी की सेहत दे, हर बच्चे को, आमीन, और मेरे बच्चों को भी। ये हमने प्याज फ्राई हो रही है, इसको हमें ब्राउन करना है। जिस कलर की करूँगी मैं आपको बताऊँगी कि किस कलर की करनी है, ताकि आप फिर उसके बाद हम सारे जो होल स्पाइसेस हैं वो हम डालेंगे, वरना भी वो काले हो जाएंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़ीरा तो फ़ौरन जल जाता है, आपको पता है, इसके बाद हम डालेंगे।
ना ज़्यादा स्पाइसी होगी, ना ज़्यादा कम स्पाइसी होगी, ना ज़्यादा मसाला होगा, ना कम मसाला होगा, बहुत मीडियम साइज़ की। मुझे ना ज़्यादा वैसी ही बिरयानी पसंद नहीं है कि बहुत ही मसाला वो है, और जो राइस है बिल्कुल स्टिकी हो, मुझे नहीं पसंद, तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो अभी हम इसको बॉईल कर रहे हैं, फिर हम आपको आगे स्टेप लेके चलेंगे। हम जो हैं ये अपने पाउडर स्पाइसेस डाल लें, मैं तो इतनी ही चिली लेती हूँ, यानी ये 1/2 चम्मच, और ये है हल्दी 1/2 टीस्पून, ये है गरम, ये धनिया पाउडर है, मैं ज़रा सा लूँगी, और ये है गरम मसाला। नमक मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, इसे बाद में ऐड करूँगी। और ये जो हमने कोई भी किसी भी कम ब्रांड का मसाला, बिरयानी मसाला हमने वो ऐड करना है 1 चम्मच। इसमें थोड़ा अभी हम, और अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने टमाटर कट किए हैं। टमाटर सॉफ्ट हो जाए, वैसे हम कवर कर देंगे ताकि हमारी जो प्याज है, मसाला है, थोड़ा सा अच्छा सा कुक हो जाए और जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इस कंडीशन में नमक ऐड करेंगे टू टेस्ट, ठीक है, और फिर हम ऐड करेंगे मटन जो बॉयल है, 1/2 बॉयल है, नॉट फुल फोल्डर नहीं है। हाफ डन है ओके। अब इसमें हम साथ ही हम योगर्ट ऐड कर लेंगे। अच्छा, योगर्ट का मैं बता दूं बाहर वालों के लिए, क्योंकि जो बाहर की योगर्ट होती है वो इस तरीके की होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप अगर हम सालन में डालते हैं, किसी चीज़ में डालते हैं, तो चूल्हे पे रह के डालते हैं तो वो फटने लगती है। तो मैं आपको एक टिप दे देती हूँ छोटा सा, कि जब भी आप डालने लगे बाहर वाले, जो सारी जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, कराची या पाकिस्तान की बात नहीं करी, वहाँ की योगर्ट जब भी आप चूल्हे में डालो वो फटती नहीं है, वो फेंट के डालते तो फ़ौरन सही रहता है। तो आप चूल्हा बंद करके साइड में रख दें, और फिर आप इसमें योगर्ट ऐड करें और उसको मिक्स करें, 5 मिनट बाद आप उसे फिर चूल्हे पे रखें, तो आपकी जो दही है वो फटेगी नहीं, चाहे वो खाना सालन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो अभी हम चूल्हे बंद करके फिर इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, फिर मैं बता रही हूँ कि मैं योगर्ट ऐड करने जा रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना। अब योगर्ट डालने के बाद इसकी जो शक्ल है कुछ ऐसी हो गई है, बहुत ही गड़ा गड़ा सा टेक्सचर हो गया है। तो अभी से हम खूब भूनेंगे, खूब भूनेंगे, अभी पकने को छोड़ देंगे कवर करके 15-10 मिनट से 12-20 मिनट तक, क्योंकि ये हाफ डन है, फुल डन नहीं है मटन। तो हम इस जब इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा तो हम इसमें ना ये ड्राई आलू बुखारा फ्लोमन जो स्वीडिश में कहते हैं, हम इसे ऐड कर देंगे, और फिर इसमें हम जर्दे का रंग थोड़ा सा ऐड करेंगे, येलो एंड ऑरेंज, तो ताकि हमारी बिरयानी में ज़रा अच्छा सा एक कलर आए। तो अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, तकरीबन ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ इसमें डाल दी है, सिर्फ ड्राई आलू बुखारे रह गए हैं और ये जर्दे का रंग थोड़ा सा ऐड करना है, बाकी हर चीज़ हमारी हो चुकी है। और अच्छा, ये बहुत ज़्यादा छींटे मार रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे फिक्र होती है कि मैं कहीं जल ना जाऊँ खुदा ना खास्ता। तो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखा करें। तो अब इसको मैं पकने को छोड़ दूँगी, ऑयल ऊपर आएगा, मसाला पानी ड्राई हो जाएगा इसका, फिर इसके बाद हम आगे के स्टेप को लेकर चलेंगे। अच्छा, मैं आप साथ साथ अभी मैं आपको चावल का बताती जाऊँ कि मैंने चावल में
क्या क्या ऐड किया है पानी में, सॉरी। तो मैंने चावल, ये हमारा बिरयानी के चावल का पानी जो है बॉयल हो रहा है, हो चुका है, और इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ चावल, जो बासमती राइस मैंने 4 कप्स लिए थे, जो अपने हिसाब से कम बनते हैं आपके 2 कप्स एंड हाफ कप, यानी 2.5 या 3 कप बनते हैं आपके नॉर्मल। और इसमें मैं नॉर्म यानी मेजरमेंट के हिसाब से नमक ऐड करूँगी और सिरका 2-3 चम्मच। और चावल का मैं हिसाब बता दूँ, जैसे बड़े पैमाने पे आप लोग बिरयानी बनाते हैं, जैसे आप 3 गिलास की बिरयानी लेते हैं, 3 गिलास के चावल लिए, तो आप उसमें 4 चम्मच नॉर्मल छोटे साइज़ के आप उसमें आप इस साइज़ के नमक ऐड कर सकते हैं, इस चम्मच इस साइज़ का, यानी 1 टी 4 टीस्पून इस साइज़ के नमक, ऐसे थोड़ा सा बड़ा आप ऐड कर सकते हैं अगर बड़े पैमाने में। आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर आपने 5 गिलास लिए तो आप 6 चम्मच चावल नमक के डाल दें, इस तरह आपकी बिरयानी में बिल्कुल बैलेंस नमक रहेगा। और हमेशा कोरमे में आप नमक थोड़ा कम डाला करें, चाहे वो घर का मसाला हो और पैकेट का, तो आपको पता ही है मैं इतना एक्स्ट्रा क्यों बोलूँ, वरना कहेंगी बहुत एफिशिएंट बन रही है। तो मैं अपने नमक का हिसाब बता रही हूँ, मेरी बिरयानी में कभी भी नमक ज़्यादा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब चावल डालने जा रही हूँ, फिर इसमें मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसमें घर होल स्पाइसेस जो डाले थे, कड़ी पत्ता, लौंग, काली मिर्च और बादियान का फूल ऐड किया हुआ था। इसमें मैंने नमक और चावल ऐड कर दिया है, जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो मैं इसमें विनेगर ऐड कर लूँगी, यानी सिरका। हमारा कोरमा बस हो रहा है ऑलरेडी, यानी तकरीबन डनी है, बस मैं बॉयल चावल का बता रही हूँ आपको बिरयानी की, ताकि साथ साथ प्रिपरेशन होती रहे हमारी हर चीज़ की। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, बस ये जैसे ही जिस कंडीशन में इसे उतारने होंगे, इसे ड्रेन करना होगा, मैं वो स्टेप आपको बताऊँगी। ये हमारे चावल बॉइलिंग की तरफ आ चुके हैं, इसमें मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, यानी सिरका 2 चम्मच, और इसे हम बस अब इसे हम ड्रेन कर लेंगे 1 मिनट बाद। मैं अभी आपको बताती हूँ कितने घनी हो चुके हैं, असल चलवा बिरयानी में जो है चावल का ही असल मसला होता है। आप जितने अच्छे राइस लेंगे, जितने अच्छे आप इसे बॉयल करेंगे, जितने अच्छे बिरयानी के चावल बासमती होने चाहिए। मुझे तो सेला बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं लोग सेला क्यों बनाते हैं, पता नहीं अपनी अपनी पसंद है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं सेला को बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं बता देती हूँ आपको, अभी ये 3 कनी हो चुके, बस मैं इसको ग्रैंड करूँगी और बाकी ये अपने दम पे जाएगा, दम पे। फिर इस तरह आपके चावल और बिरयानी, चाहे वो पुलाव के हों या स्टीम राइस हों या क्या कहते हैं फ्राइड राइस हो, आपके इस तरह हर जो चावल की जितनी भी डिशेज हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। अब मैं इसे ड्रेन करने जा रही हूँ, जब मैं इसे ड्रेन कर दूँगी, छान लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल, जब बिरयानी में पूरी बिरयानी की रेसिपी दे रही होंगी तब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने बिरयानी मसाले को बहुत अच्छा सा भून लिया है, और इसको फिर मैंने दूसरी देगची में ट्रांसफ़र कर दिया, और ये मेरे राइस जो हाफ डन मैंने किए थे बॉयल, ये हैं। अच्छा, इसको कभी भी आप, ये जो मैंने अभी तो बॉक्स के अंदर इस तरह बाउल के अंदर रखा हुआ, इस तरह नहीं था ये छन्नी के अंदर ही छान के मैंने इसे छोड़ दिया था, ताकि इसकी स्टीम बाहर निकलते रहे। और जब मैं चावल को निकालती हूँ, स्ट्रेन करती हूँ, तो मैं हल्के हल्के हाथों से इसे यूँ यूँ साइड से चलाती हूँ, ताकि नीचे से जो स्टीम है वो ऊपर आए, नीचे जो स्टीम रहेगी वरना वो चावल को अंदर ही अंदर कुक करती रहेगी। अच्छा, ये मैंने योगर्ट में येलो ऑरेंज कलर डाल दिया था, और अब ये ड्राई आलू बुखारा मैंने जो छोड़ दिया था, ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट है। और ये जो योगर्ट वाला जो जिसमें रंग डालने का, ये मैं आज से नहीं, कब से करती भी आ रही हूँ कहेंगे, यानी जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की है तब से मैंने ये काम इसमें ऐड किया, और मैं इसी तरह बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऊपर भी स्प्रिंकल करेंगे और नीचे भी। मैं इसमें चावल, अब इसमें चावल ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इस पर पहले कोरमे का मसाला रखा, फिर उस पर मैंने हरा धनिया पुदीना डाला,
और उसमें ड्राई आलू बुखारे ऐड किए, फिर मैंने इस पे चावल रख दिया और इस पे फिर मैंने जरदही में कलर जो ऐड किया था उसमें डाला, और ये हरा धनिया पुदीना ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, हल्का सा ऑयल मैंने ड्रिजल कर दिया ताकि वो ड्राई ना हो रहे। ऐसे कोर में काफ़ी हद तक जो उसके हिसाब से बिरयानी के हिसाब से ऑयल बहुत अच्छा है, ना ये बहुत ज़्यादा ड्राई होगी ना बहुत ज़्यादा ऑयली होगी। तो जब ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी दम पे स्टीम पे पूरे कुक हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी तो ये मेरी बिरयानी मेरी नहीं मटन बिरयानी तैयार है, और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने जब चावल को दम पे लगाया था तो 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे किया था, फिर उस 5 मिनट के बाद मैंने लो फ्लेम पे कर दिया, बिल्कुल हल्की इस पे स्लो पे। तो फिर उसके बाद जब स्टीम हो गई, इतना तो सबको पता है, तो क्या करना है उसको फिर डिश आउट कीजिए और सर्व कीजिए और फिर ट्राई कीजिए। इस पे मैंने कोई भी घर बाहर के ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए कि मैं ज़्यादा स्पाइस डालूँ। हाँ मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला ज़रूर ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है उसका। तो अगर नहीं, मैं कभी नहीं भी होता मेरे पास तो मैं नहीं ऐड करती, ये मत समझेगा कि मैं हमेशा ऐड करती हूँ। मैं इसके अलावा भी आपको और बिरयानी की रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आपको ये बिरयानी पसंद आएगी। जब आप इसको बनाएंगे तो फिर मुझे बताएगा और दुआओं में याद रखेगा इंशाल्लाह। फिर मैं एक नई रेसिपी अपनी फैमिली के लिए, जो मैं लंच डिनर जो भी बनाऊंगी, तो ज़रूर आपको फिर शेयर करूंगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।